नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद हो चुका है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने दमखम को दिखाते हुए प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। वहीं बसपा की तरफ से कायम रजा खां को लखनऊ पश्चिमी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। इन्हीं सब खास मुद्दों पर प्राइम टीवी ने कायम रजा खां से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव इसलिए अहम क्योंकि इस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ही केंद्र की जो राजनीति है वो तय होती है। कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश जीत लिया तो समझिए दिल्ली का जो रास्ता है वो काफी आसान हो जाएगा। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा राजनीतिक दल है वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं, लगातार प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं और उम्मीद लगभग सबको इस बार है कि इस बार उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बन जाएगी। उसी में से एक बड़ी पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। मायावती उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और इस बार भी उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा बहुत चुनकर करी है। उनका ये कहना है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं इस बार जीतेंगे और एक बार फिर से बहुजन समाज की सरकार, बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। लेकिन इस वक्त मैं जिस विधानसभा में खड़ा हूं, ये लखनऊ की पश्चिम विधानसभा है। यहां पर बीजेपी के विधायक अपना कार्यकाल उन्होंने किया है, लेकिन अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए, अगर जनता की दृष्टि से देखा जाए, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो शायद इस विधानसभा के साथ यहाँ की जनता के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी ने, बसपा ने यहाँ से कायम रजा साहब को अपना प्रत्याशी बनाया है। कायम रजा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कायम साहब, आपको प्रत्याशी मायावती ने चुनकर बनाया है कि इस बार यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो दलित वोटर्स हैं या जो पूरा समीकरण है इस विधानसभा का, सारी जनता, उनका बेहतर विकास हो सके, उनके लिए बेहतर काम किया जा सके, क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति है, क्या अब तक आप लोगों ने रोडमैप तैयार किया? देखिए, हमारा रोडमैप पहले से तैयार है। हम 2002 साल से क्षेत्र में लगे हुए, पूरा हमने सर्वे कर लिया पूरे घर घर जाके और इतनी समस्याएं इस क्षेत्र में है कि वो समस्याएं हल ही नहीं हो पाएगा। हमें लगता है जो दूसरी पिछली सरकारों ने किया है वो समस्या बहुत ज़्यादा, आप देख लीजिए रोड, देखिए ये शहर का रोड है, आज तक ये रोड नहीं बना है। ये इस तरह की क्या और भी रोड है इसी तरह? सैकड़ों रोड हैं, इससे ज़्यादा खराब है कि एक एक फीट के गड्ढे आप पैदल नहीं चल सकते हो। क्या कारण है इस क्षेत्र का विकास नहीं, क्योंकि बीजेपी तो यहाँ से जीत के आई और बीजेपी कह रही कि उन्होंने गांवों में विकास कर दिया, शहर की तो बात छोड़ दी। आपके सामने रखा है ना, सैकड़ों रोड ऐसी हैं जो विकास ही नहीं हुआ है, तो वो तो खाली जुमलेबाज की सरकार है, जुमलेबाजी वाली बात करते हैं। तो विकास हुआ होता तो आज जो बेचारे विधायक जी लोग मारे जा रहे हैं नंगे कर करके, तो ये हालात थोड़ी होते। जगह जगह दौड़ा, आप उप मुख्यमंत्री आपको केशव मौर्य जी देखे भगाए गए, तो ये अगर विकास किया होता तो उनका स्वागत होता, ना कि मारपीट होकर गाली गलौज हो रहा है। तो अगर विकास करा होता तो आज जो है उनका नाम लिया जा रहा था, विनाश किया उन्होंने। वो तो कह रहे हम काम के बल पे जीत जाएंगे, वो कह रहे कि हमने जो कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। बसपा सरकार के लिए भी बोलते हैं, मायावती के लिए भी बोलते हैं कि उन्होंने जो अपने काम किए थे वहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार हुआ था, भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिशें करी जाती थी, लेकिन हमने सब पाक साफ कर दिया। देखिए, उन्होंने विनाश किया है, विकास तो नहीं किया, विनाश किया है। आप देखिए ठोकों की राजनीति, आज ब्राह्मण समाज को 500-600 ब्राह्मणों को मार दिया गया, बिना वजह मारा गया ना, आज क्यों मारा गया? अगर विकास किया, उन्होंने खाली ठोकों की राजनीति की, जुमले की बाजी की, आज तक जो कहा था 15 लाख खातों में आएगा, ये वो दुनिया भर की ऐलान किया था कि हम ये करेंगे, ये करें, कुछ किया? कुछ नहीं किया, खाली जुमला दिया बस। अच्छा, इस विधानसभा की बात करी जाए क्योंकि यहाँ से आप बसपा के कैंडिडेट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से और ऐसा उम्मीद भी, क्योंकि जनता से भी मेरी बात हुई है, काफी लोग आपके समर्थक में हैं कि अब इस बार आपको वोट देना है, लेकिन आपकी प्रमुख लड़ाई किससे किससे है? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को हराने में लगी हुई है, बाकी अन्य दल भी हराने में लगे हुए हैं, लेकिन आपकी प्रमुख लड़ाई किससे? देखिए, हमारी तो अभी किसी लड़ाई नहीं, इसलिए कि कोई प्रत्याशी नहीं है तो हम किसको बता दें लड़ाई है। अच्छा। एक कांग्रेस ने साना सिद्दीकी को कल उतारा है, सपा बसपा ने अभी तक उतारी नहीं, कैंडिडेट कर दिया, सपा और भाजपा उतारी नहीं पाई है, अभी कहाँ आई? अभी तो कल रेहान लड्डू बांट रहे थे कि हमारा हो गया, अभी थोड़ी देर पहले फाइनल हुआ अरमान का। भाई मेरे, कल रेहान लड्डू बांट रहे थे तो खुशी मना रहे थे, शाम को 11 बजे रात तक लड्डू बांटे, आज अरमान का बता चल रहा है कि हो गया, तो जब फाइनल लिस्ट निकले तभी तो पता चले किसका हुआ है, और ना भाजपा उतार पा रही, तो हम किसको मना दें, हमारी टक्कर में कोई है? अच्छा, और क्या क्या मुद्दे हैं, क्योंकि शिक्षा की बात भी हो रही है, स्वास्थ्य की बात भी हो रही है, विकास की बात हो रही है, आपने सड़क के बारे में तो बता दिया,
शिक्षा की बात मैं आपसे पूछूं, स्वास्थ्य की बात पूछूं, क्योंकि कोविड महामारी आई थी, शिक्षा की बात करी जाए तो बच्चों को स्कूल पहुंचाने की बात सरकार ने कही और ये कहा कि कोविड काल में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी गई, क्या इस क्षेत्र में, क्या इस विधानसभा में वो बेहतर व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से लागू हो पाई, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस मिली, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ पर? कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी है तो प्राइवेट स्कूल है और गरीब जनता इस क्षेत्र में बहुत है। जो डेली वेजेस वाले रोजगार जैसे आरी दरदोजी वाले हैं, हथकरघा वाले कारीगर ज़्यादातर इस क्षेत्र में हैं, तो उनके पास 100-150 रुपये रोजगार है, वो आपको प्राइवेट में कहाँ पढ़ा पाएंगे। यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल नहीं है, यहाँ समझ लीजिए वो हालात है कि सब जाहिल बेचारे घूम रहे हैं। तो यहाँ पे हम चाहेंगे हमारी सरकार बनेगी तो कम से कम 20-25 स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल खोले जाए जो गरीब जनता पढ़ सके, पढ़ा सके अपने बच्चों को। आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और मुख्य विपक्षी पार्टियां जो आपके टक्कर में इस वक्त हैं उनको क्या संदेश देंगे? संदेश यही देना चाहेंगे इस क्षेत्रवासियों को कि बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, हाथी वाला बटन दबाएं और बहुजन हमारा कायम रजा खान को जिताएं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2022 में 5वीं बार मुख्यमंत्री हमारी सुश्री मायावती जी को बनाए। विपक्ष को हम क्या कहें, विपक्ष भी हमारा समर्थन करें। यह बेहतर था कि विपक्ष भी हमारा समर्थन करे। तो ये थे कायम रजा खान, बसपा के कैंडिडेट हैं लखनऊ की विधानसभा। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है, वहीं लखनऊ के पश्चिम विधानसभा से हमारे साथ खास बातचीत के लिए कायम रजा जी हैं। सर, अगर आप इस बार के चुनाव में जीत के आते हैं तो क्या ऐसे काम होंगे जो आप करेंगे? नमस्कार। देखिए, काम जो क्षेत्र की जनता में अभी तक नहीं हुए हैं क्षेत्र में, उनको हमें काम करना है। और इस क्षेत्र में पूरी पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया। अगर 7 से 12 तक देखा जाए, इस क्षेत्र में बहन जी ने सीवर डलवाया था, बहुजन समाज पार्टी के सरकार में पड़ा था, जब से आज तक कोई उसमें काम नहीं हुआ, जिसका तस पड़ा। तो इस क्षेत्र का जो काम आज तक नहीं है वो काम करके दिखाएंगे। और अगर बात की जाए पश्चिम की विधानसभा में कुछ प्रमुख दिक्कतों की, तो ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो आपको जनता से जानकारी मिलती है उसके लिए आप काम करेंगे? जनता से जानकारी यही मिलती है कि यहाँ पे एक तो पानी निकासी की बड़ी समस्या है, अगर 1 घंटा बारिश हो जाती तो 3-3 दिन 2-2 दिन पानी नहीं निकलता बाहर। सीवर की समस्या है, यहाँ सीवर नहीं पड़ा इस क्षेत्र में। और रास्ते बिल्कुल आप देख लिए, हमारे ऑफिस के नीचे जाइए पूरा रोड ऐसे जर्जर पड़ा हुआ है। तो ऐसे सैकड़ों रास्ते हैं जो बिल्कुल कहीं कुछ बना ही नहीं। तो ये सब विकास कराने के लिए, विकास का नाम लेके ही हम लोग जा रहे हैं इसी फील्ड में। और अगर पश्चिम की बात की जाए तो शिक्षा चिकित्सा का हालात कैसा है, क्या यहाँ शिक्षा जो है अच्छे कॉलेजेस हैं और अच्छी हॉस्पिटल का व्यवस्था कैसा है? कोई ना शिक्षा का यहाँ पे इंतज़ाम है, ना स्वास्थ्य का इंतज़ाम है। हमारी कोशिश यही रहेगी, हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले यहाँ 3-4 स्वास्थ्य केंद्र बनाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना है। और एक जैसे प्राइमरी स्कूल वगैरह होते हैं, इस क्षेत्र में कहीं प्राइमरी स्कूल नहीं है जो गरीब बच्चे पढ़ा सकें अपने को। बड़े स्कूल प्राइवेट तो बने हैं लेकिन जो है गरीबों के लिए कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। अगर बात की जाए तो आसपास ग्रामीण इलाका भी पड़ता है, तो क्या व्यवस्थाएं गाँव के लिए की जाएंगी? गाँव के लिए बता तो रहे कि जो शहर के लिए की जाएंगी वही गाँव के लिए की जाएंगी। और हम विकास करेंगे इस क्षेत्र में, अगर हमें लोग इस क्षेत्र के लोग विधायक बनाते हैं तो पूरा विकास करेंगे। कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है आपको, आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता का क्या मूड लग रहा है? देखिए, जनता का मूड बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रही जनता और हमें विधायक बनाने जा रही है। तो हमारे साथ थे कायम रजा, जो पश्चिमी जो लखनऊ विधानसभा है वहां से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं बसपा की तरफ से। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम शिक्षा चिकित्सा और विकास के लिए हर एक काम करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। वही कांग्रेस नेता और यूपी के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार लखनऊ पहुंचे। यहां स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए कई बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम बेटियों और किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और उसी मुद्दे पर कांग्रेस जीत भी दर्ज करेगी। आप भी सुनिए कन्हैया कुमार का ये बयान। कोरोना है, आप तो न्यूज क्लिक से आए हैं, आपके यहाँ बार बार आता है, दफ्तर पे हमला होता है ईडी के द्वारा, तो आप मुझे बताइए कि दिल्ली में AQI खराब है, हवा खराब है, तो फेफड़ा कैसे रह पाई, कैसे लोगों के सवालों को उठा पाई? क्योंकि मैं कहता हूँ कि कांग्रेस जो है ना वो इस देश का इतिहास भी है, कांग्रेस इस देश का वर्तमान भी है, कांग्रेस देश का भविष्य भी है। कांग्रेस महज पार्टी नहीं है, हम सबके भीतर एक प्रवृत्ति है। कांग्रेस कभी भी जो है ना
क्या होना चाहिए, जो नया सवाल है उसको आगे बढ़ करके पकड़ती है, बाद में लोग उसको फॉलो करते हैं। मिर्जापुर में ठंड के मौसम में चारों तरफ है। किसानों का कहना है कि बेमौसम कोहरा होने से सरसों, दलहनी और जो भी अन्य फसलें हैं उससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जहां एक तरफ छोटा पशुओं से किसान परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान कुदरती मार भी झेल रहा है। रहर है, सरसों है और ऐसे ऐसे जो फसलें हैं, और उसको परेशानी तो इतना है कि हर फसल नुकसान हो रहा है। रोहर सरसों त्याग की फसल चर जा रहे हैं, वो भी नुकसान कर रहे हैं। इस पर कि सरकार किसी प्रकार का रोक लगाए लगाना चाहिए कि पशुओं को कहाँ जो छुट्टा है बटोर बटोर को कहीं उनका पहाड़ या जंगल में छोड़वा दें, या तो कहीं इनका व्यवस्था करें, तो बहुत नुकसान किसानों का बहुत। दूसरी बात फसलें की देखिए, कोहरा इतना पड़ रहा है कि सब छोटा मवेशियाँ चर जा रही है, बच्चा कुछ पाला ले जा रहा है, सरसों खुला हुआ है जिस पर अन्न की टाल मजदूर हम लोग ठहरे, पता चला ठंड के मारे उतना व्यवस्था है ही नहीं कि जाकर अपने कार्य को करके के अपना जीवन रोटी चला सके। वहीं संभल के असमोली विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी पिंकी यादव ने भाजपा सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि असमोली विधानसभा क्षेत्र से पहले ही वो असमोली विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रही हूं, लेकिन भाजपा ने सिर्फ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। असमोली में तहसील बनवाने की मांग का मुद्दा हो या फिर शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की बात हो, हर मामले में उनकी तरफ से समय समय पर प्रयास किए गए हैं। जीत कर जाएंगे जो 10 मार्च को आपको आने वाली में पता चला है। 13 महीने तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, ये पहली बार इतिहास बन गया ये कि पहली बार सड़कों पर कीले लगाई गई किसानों के संघर्ष और उनकी आवाज को रोकने के लिए। वही उन्नाव के कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन खुद को उन्होंने आग लगा ली। आग लगाकर कलेक्ट्रेट के सामने दौड़ लगाते हुए जिला प्रशासन के सामने वो नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद आनन फानन में बैरिकेडिंग पर तैनात पुलिस ने गौ सेवक के कपड़े फाड़कर उसे आग को बुझा दिया। और तो हम स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहते हैं कि हमारा योगी जी से कोई शिकायत नहीं, उनसे उनके प्रयत्न है कि गोवंशियों की उचित व्यवस्था हो, लेकिन ये जो योगी जी के बैल हैं लगा जगह जगह पर, जो ये विधायक हैं, जो ये सांसद हैं, ये बहुत गंदे लोग हैं। इनको प्रभुता और पैसे के आगे कुछ नहीं दिखता है। हम लगातार प्रयत्नशील हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, और ये अपनी प्रभुता और पैसे के लिए उनको बंद करके मारे डाल रहे हैं। कौन वो विधायक हैं? सारे विधायक हैं, हम तो सदर में ही रहते हैं। सदर विवाद है, जाने से मासूम की दबकर दर्दनाक मौत हो गई है। वही मौके पर ग्राम पंचायत नरवा संग्रामपुर में पूर्व प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। दो साल और कौन बनवाया था इसको, आप लोगों ने बनवाया था या प्रधान ने? प्रधान बनवान राजू प्रधान। अच्छा, तो ठेकेदार से बनवाया गया था। हाँ। था ये मैसे सुबह काट रहा मम्मी पट्टी गई हूँ मकान ले 30 रुपया दिन हूँ पट्टी लावा खा के बस उस खड़ा बार ऐसे ला के कौनो धक्का मार दिन तुरंत गिर गए मेरा देखा देखे पर बच्चे के आगे कपड़े के टोपे लेकर के बाहर अटक गए दिया। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर घने कोहरे की वजह से दो वाहनों की जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों लग्जरी कार के भी रूप से इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला आज सुबह करीब लगभग 8 बजे का शेखपुर जंगी पुलिस का मामला है। दो वाहन निशा प्रजापति सरिता प्रजापति साथ में है लोग, और उधर से जो गाड़ी टक्कर हुई है उसमें महाराजगंज के रहने वाले सब इंस्पेक्टर, उनके 3 साथी वो भी एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें एक मृतक और दो की बहुत साइड से 4 लेन है, अपने बाएं से मैं जा रहा था, कोहरा था, वो उल्टा है किसके। तो दो लोगों की हालत बहुत। हाँ, जैसा कि लगभग 9 बजे कई 8-10 लोग इंजोर्ड लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, बताया ही जा रहा है इससे यहाँ एडमिट है और कुछ लोगों को यहाँ से ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।
वहीं फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर तेज रफ्तार होने के चलते ट्रॉली समेत अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं ट्रॉली में बैठे लगभग एक दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए हैं। चीख पुकार मच गया। वहीं रायबरेली में महाराजगंज कोतवाली में हुए शराब कांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शराब कांड का मुख्य आरोपी केतन सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने शातिर शराब तस्कर के साथ शराब कांड में शामिल लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक गाड़ी सहित भारी मात्रा में शराब की पेटियों को भी बरामद किया है। जो लोग भी इन्वॉल्व थे उन पे जितने भी हमारे विधिक प्रावधान है NSA गैंगस्टर सभी को लगाया जाएगा। साथ ही अभी पुलिस कप्तान ने बताया जैसे कि वेचना जारी है तो जैसे जैसे वेचना इनकी खुलती जाएगी और चीज़ें सामने आती जाएंगी तो विधिन रूप से कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे जो चेकिंग की गई थी उसमें वो शराब को उसका QR कोड वगैरह चेक कर लिया गया था, वो सही पाई गई थी। ये जितने भी स्पूरियस लिकर के केसेस हैं इनके टेट्रा पैक को चेकिंग करने पर या इनके सामान्य पैक को चेकिंग करने पर इनके QR कोड स्कैन करने पर कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो ये स्पूरियस लिकर का केस है, वो सामान्य थी जिसकी जांच की जा रही है। वहीं गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस SOG सर्विलांस और स्वॉट टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो लोगों के घरों से चोरी कर पूरे घर को साफ कर दिया करते थे। वहीं घटना में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक गैंग जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है वो गैंग पिकअप और उसके साथ कुछ सामान लेकर के निकलने की फिराक में है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की पिकअप, टेक्निकली वो मुकदमा डकैती में लिखा क्योंकि उसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग शामिल थे। उसके अलावा इनके पास से बहुत सारा चोरी का सामान बरामद हुआ। तरह से है जब दूसरी बार बड़ी संख्या में मरे हुए गौवंश गोबर के नीचे से बरामद किए गए हैं। इन मरे हुए पशुओं की संख्या कितनी है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, पर पूरे मामले को भी फिलहाल मरे हुए पशुओं को निकाला जा रहा है और गौ रक्षक सेवा दल के लोग बड़ी कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। उन्हें गोबर के साथ डाल दी, क्या कार्रवाई बनती है इसमें यदि वो लोग दोषी पाए? गौशाला का बताया जा रहा है। ठीक है, ऊंचा गाँव। क्या नाम भी आपका? शिवा दहिया। शिवा भाई, क्या मामला है? आपने पुलिस को जानकारी दी है कोई गोवंश मिले हैं यहाँ पे बच्चे? हमें सूचना मिली थी अभी करीब 1.5-2 घंटे पहले, वो ऊपर मरे हुए हैं और अंदर अलग हैं। तो सूचना मिलते ही हम यहाँ पर आए, मौके पर हमने देखा तो हमें गोवंश मिले हैं ऊपर। उसके बाद हमने पुलिस की सहायता ली है, पुलिस को सूचना दी। अगली खबर बस्ती से है जहां पर बस्ती के सदर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र श्रीवास्तव ने प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए बताया कि बस्ती की जनता के साथ छल किया जा रहा है, यही कारण है कि आज भी बस्ती का विकास नहीं हुआ है। एक तरफ आपने अभी कहा था कि हम एक बाईपास बना रहे हैं, बाईपास का तो पता नहीं है, आपने ड्राइंग दे दिया। विकास यही हुआ है कि विकास प्राधिकरण की बस्ती में स्थापना हुई है, मकान बनाने जा रहे हैं, 1000 स्क्वायर फीट के नीचे है, नक्शे की जरूरत नहीं है। विकास प्राधिकरण न तो कोई सड़क बनाता है, न कोई नाली बनाता है और न ही कोई विकास डेवलपमेंट का काम करता है। वो सिर्फ एक काम करता है कि बन रहे मकान को रोज जाकर के सील करता है, हो रहा है और रोज अवैध वसूली का शिकार हो रहा है। और प्राधिकरण का डेवलपमेंट, मैं कहता हूं कि जो हमारा रजिस्ट्री का पैसा हम बनामा कराते हैं तो हमारा 2% जमा होता है, वो सारा पैसा पहले RBO पे जाता था और अब विकास प्राधिकरण। करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तमाम विकास के कार्य हुए हैं, तो क्या वो एक जुमलेबाजी हवा हवाई है? अगर हवा हवाई नहीं है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप उसके अलावा विकास की एक भी किरण आप बता दीजिए। कोई आप बता दीजिए कोई नया स्कूल लड़कियों का खुला हो, कोई आप बता दीजिए कोई नया डिग्री कॉलेज खुला हो, आप बता दीजिए कि एक भी जो हमारे यहाँ मतलब कॉन्वेंट स्कूल, आप सरकार का कौन सा कॉन्वेंट स्कूल आप बता सकते हैं? दिल्ली में मॉडल स्कूल तमाम है, आपके बस्ती शहर में कौन सा? और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।